एपिसोड का सारे होता है क्रूज शिप से, जहाँ पर मैं दिखाया जाता है कोजो और युकिना उस क्रूज शिप में होते हैं और इधर वो दोनों मिलने के लिए आए थे फटलर से। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर युकिना और कोजो मिलते हैं एक पर्सन से जो कि था फटलर, और इधर कोजो और फटलर बातें करता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर अचानक से कोजो के ऊपर से कुछ अटैक्स आते हैं जो कि किसी ने किए थे। ऐसे कोजो इस अटैक के बारे में पहले जान लेता है और इसलिए इधर कोजो बच जाता है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसने किया था, यानी ये अटैक क्या था कोजो के ऊपर, एक लड़की ने। और इधर वो लड़की आके बोलती है कोजो तुम इस लड़की से दूर रहो। जावर में दिखाया जाता है जो इधर युकिना होती है वो इधर बहुत ज्यादा पी होती है और वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो उस लड़की को बहुत पहले से जानती है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है वो युकिना को हग करती है और वो बोलती है युकिना युकिना मैं आ गई, यानी ये लड़की भी पहले से ही युकिना को जानती है। और इन दोनों देखने में ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के बहन है यानी सिस्टर से। जो भी ये सब देखकर कोजो है वो इधर शॉक्ड हो जाता है, जहाँ वो बोलता है युकिना लड़की कौन है, जहाँ पर युकिना बोलती है ये लड़की है मेरी बहन ऐसा का सायका, और वो है एक वार डांसर लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन का। साया का एक वार डांसर थी यानी वो युकिना से थोड़ा स्टेप ऊपर की थी, यानी लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन में ही वो ही काम करती थी लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल की थी। वेल जो भी जो इधर साया का होती है वो इधर कोजो से बहुत गुस्से में होती है। वेल इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो जो सागी होती है वो इधर किसी के साथ फोन में बात कर रही होती है। वेल जो भी इधर सागी बातें कर रही थी युकिना और कोजो के बारे में, वेल जो भी इधर सागी बातें कर रही थी क्योंकि उस दोस्त के साथ। वेल जो भी इधर वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर जो इधर कोजो का वो दोस्त होता है वो इधर बोलता है चलो अब टाइम हो गया है, और इसलिए वो इधर अपना फोन रख देता है क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बातें करना था। कोजो का दोस्त का इस चीज को देखकर सागी को इधर थोड़ा गुस्सा आता है। वेल जो भी उसके बाद इधर सागी देखती है सागी की कंप्यूटर या फिर सिस्टम में कुछ आ गया है, तो इसलिए सागी उसको देखने चल जाती है और इधर सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से दिखाया जाता है उस क्रूज शिप में जहाँ पर फटलर कोजो के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर फटलर अपने बारे में बोलता है यानी वो कौन है वो किसको चाहता है ऐसे कुछ बातों को बोलता है जहाँ पर कोजो भी उसके बारे में सुनता है। ऐसे जो इधर फटलर होता है वो इधर बोलता है मैं कोजो तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तो हाँ हम लोग करते हैं कुछ प्यार की बातें। जहाँ पर इधर कोजो बोलते हैं नहीं मैं एक लड़का हूँ तो इसलिए हमारे बीच ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, और इधर कोजो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि जो फटलर होता है वो इधर धीरे धीरे आगे आने लगता है यानी कोजो के पास आने लगता है। और इसी बीच हमें दिखाया जा रहा है जो इधर युकिना होती है वो इधर बीच में बोलती है फटलर मेरा नाम है युकिना, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। आप पर इधर वुडलर बोलता है तुम्हारे बॉडी से स्मेल आ रहा है कोजो का, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, यानी तुम्हारा खून इधर कोजो को दिया था। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो इधर युकिना की बहन होती है वो इधर शॉक्ड हो जाती है। वैसे ये बात इधर वुडलर को कैसे पता ये तुम लोग सोच रहे होगे, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। वुडलर बहुत ज्यादा चातिर और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल लड़का है या फिर पर्सन है, तो इसलिए वुडलर कुछ भी निकाल लेता है। जो भी हो इन सारी बातों सुनकर जो इधर युकिना होती है वो इधर थोड़ा शॉक में आ जाती है, और उसके बाद वो इधर फिर से पूछती है वैसे लॉर्ड एड्रियल यानी वटलर आप इस जगह में क्यों आए। जहाँ पर वटलर बोलता है नहीं ऐसा कुछ तो बात नहीं था। जहाँ पर युकिना बोलती है क्या आप जो के साथ यानी फोर्थ प्रोग्रेनेटर के साथ कनेक्ट होने के लिए आए थे। जहाँ पर इधर वटलर बोलता है हाँ वो भी बात था लेकिन एक और बात था। जहाँ पर इधर वो दोनों बोलते हैं यानी कोजो और युकिना बोलते तो बताइए। जहाँ पर इधर हिटलर बोलता है मैं इधर आया था एक पर्सन के लिए जो कि था सोल्जर वार्ड लॉर्ड्स डोमिनियन का, मतलब वो पहले सोल्जर हुआ करता था लेकिन उसके बाद वो एक टेररिस्ट ग्रुप में आ गया जो कि बहुत ज्यादा भयंकर है, और वो वर्सन उस टीम का या फिर उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है, और वो टीम कहलाता है ब्लैक डेथ एम्पायर फैक्शन, मतलब ये है उस टीम का नेम। और उसके बारे में बताया जाता है उस टीम के बारे में यानी वो टीम इधर बहुत ज्यादा भयंकर और साथ ही साथ खतरनाक है और वो कुछ भी कर देता है, तो इसलिए इधर बदलर आया है। इस बात को सुनकर इधर कोजो बोलता है वैसे मुझे सुनने में ऐसा है उस टीम का जो लीडर है वो बहुत पहले मर गया है, तो वो टीम अब कैसे कंटिन्यू हो सकती है। जहाँ पर बदलर बोलता है हाँ उस टीम के लीडर को मैंने ही माना था लेकिन सुनने के लिए ऐसा आया है जो मैं जिस पर्सन को इधर ढूंढने के लिए आया यानी गार्डोस वो ही एक न्यू लीडर है उस टीम का, और वो टीम अब कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर इधर कोजो बोलता है रुको तुम मुझे अब ये मत बताना वो गार्डोस यही है। जहाँ पर इधर बटलर बोलते हैं हाँ तुम बहुत ही जल्दी समझ गए मैं इधर उसे पकड़ने के लिए ही आया हूँ। जहाँ पर इधर कोजो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है। वेल जो इसके बाद हमें बताया जाता है गार्डोस के बारे में यानी गार्डोस कितना ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ वो टीम इस जगह पर क्यों आने वाला है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है यानी दिखाया जाता है जो इधर युकिना होती है वो इधर एड्रियल से पूछती है
तो क्या आप उसी कारण के लिए इधर आए हो? जहाँ पर इधर एजे बोलता है हाँ मैं उसी कारण के लिए इधर आया हूँ और मैं इसके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इधर एजरेल ये भी बोलता है अगर गार्डोस ने कुछ भी कर दिया तब जहाँ पर इधर कोजो बोलता है तब तुम भाग जाओगे। और इधर एजरेल बोलता है नहीं अगर गार्डोस ने कुछ भी करने के लिए चाहा तो मेरे फैमिली क्या कर सकते ये मुझे ही पता नहीं, सब लोग मुसीबत में आ जाएंगे। और इस बात को सुनकर इधर जो बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इधर एजरेल कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए जो यकीना होती है उधर बोलती है एजरेल आप प्लीज रुक जाइए और ये काम हमें दे दीजिए, हम उस गार्डोस को पकड़ेंगे या फिर उसे ढूंढेंगे और पकड़ लेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेंजर है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए ये काम हमें दे दीजिए। वहां पर ये बात सुनकर जो इधर यकीना की बहन है वो भी इधर बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती है और वो सोचती है यकीना ये सब क्या बोल रही है, लेकिन इधर यकीना यही बोलती है हमें ये काम दे दीजिए और मेरे साथ कोजो हुई है तो हम दोनों मिलकर गार्डोस को पकड़ेंगे। और इधर एड्रियल भी यही चाहता था शायद से और इसलिए वो हंसता है। और इधर उन दोनों को एक और मिशन मिल गया था और इधर हमें दिखाया जाता है जो इधर असागी होती है वो इधर उस पजल को सॉल्व कर दिया था, वो ऐसे चिलकर ही होती है। खैर इसके बाद इधर सिंसिप उधर हमें दिखाया जाता है यकीना और कोचो दोनों उस क्रूज शिप से बाहर आके अपने घर की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर यकीना की बिग सिस्टर है वो इधर कोचो को देखकर बहुत गुस्से में कुछ कर रही होती है, मतलब शायद से कोचो को यकीना की बहन देख नहीं सकती है। वह जो भी उसके बाहर हमें दिखाया जाता है उसके बाहर वाले सुबह में जहाँ पर कोचो सो रहा होता है और उसके ऊपर एक लड़की होती है जो की होती है असागी, जहाँ पर असागी इधर कोचो के साथ बातें करने के लिए आती है कुछ ऐसे नटखटी वाले, लेकिन इधर कोजो ऐसे ही बातें नहीं करना चाहता था। वह जो भी जो इधर असागी होती है वो इधर कुछ अलग ही पोजीशन में होती है तो इसलिए इधर कोजो असागी के वो कुछ देख लेता है थोड़ा सा ही। और इधर असागी कोजो के साथ बार बार बातें करने की कोशिश करती है लेकिन इधर जो नहीं मानता है और इसलिए जो इधर असागी होती है वो इधर थोड़ा ज्यादा ही हिलती है और इसलिए इधर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इसी बीच इधर कोजो का डोर ओपन हो जाता है जहाँ पर बाहर से आती है यकीना और कोजो का वही दोस्त मतलब लड़की वाला दोस्त, और इधर उसी दोस्त के साथ आई थी यकीना। और इधर यकीना आके कोचो को एक अलग से पोजीशन में देखती है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है क्योंकि तुम लोग देख के बोल सकते हो इधर कोचो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर मतलब नहीं कर रहा है लेकिन क्या करने की कोशिश कर रहा है ऐसा वो दोनों समझेंगे और यही वो दोनों समझते हैं। और इसलिए जो इधर यकीना होते हैं वो इधर से डायरेक्टली चली जाती है और साथ ही साथ वो कोचो की दोस्त भी इधर से चली जाती है। और इस चीज को देखकर इधर कोचो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जो भी इधर कोजो और असागी दोस्त थे तो इसलिए इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ बातें नहीं होता है, मतलब लड़ाई नहीं होता है। इधर हमें दिखाया जाता है एक पंछी इधर उन दोनों को नोटिस कर रहा था, मतलब बहुत टाइम से उन दोनों को देख रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो इधर यकीना की बहन है वो इधर आ चुकी थी उस स्थिति में शायद से, और वो इधर शायद से कोजो के ऊपर नोटिस कर रही होती है और वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली स्टेशन में जहाँ पर इधर कोजो आता है यकीना के पास, जहाँ पर यकीना बहुत ज्यादा नाराज होती है। यहाँ पर कोजो सॉरी भी कहता है लेकिन जो इधर यकीना होती है वो इधर थोड़ा गुस्से में होती है, लेकिन जो इधर यकीना होती है वो इस बात को बुलाना चाहती है और साथ ही साथ कोजो भी, तो इसलिए इधर वो दोनों मान जाते हैं। और उसके बाद इधर वो दोनों अपने हाई स्कूल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर इधर वो दोनों रास्ते में बात कर रहे होते हैं उसी ग्रुप के बारे में, यानी टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, यानी वो लोग पूछने के लिए आए हैं एक पर्सन से इस ग्रुप के बारे में, यानी जो पर्सन है या फिर ग्रुप है ये उन लोगों को कहाँ मिलने वाला है, ये ग्रुप उन लोग कहाँ मिलने वाला है तो उन लोगों को अब जाना था। और साथ ही साथ वो गार्डोस उन लोगों को कहाँ मिलने वाला है ये भी जाना था क्योंकि उन लोगों को कैश करना था गार्डोस को हाँ फटलर के पास आने से पहले, तो इसीलिए वो लोग डायरेक्टली जाते हैं उसी टीचर के पास के, मतलब जो इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानती है। वेल जो भी इसके बाद इधर वो दोनों चले जाते हैं उसी रूम के अंदर जहाँ पर वो टीचर रहती है। इसके बाद वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जो टीचर होती है वो इधर पहले कोचो के ऊपर ऐसे एक बुक से अटैक करती है। वेल इसके बाद जो इधर यकीना होती है वो इधर बोलती है अपने टीचर से जानना है गार्डोस के बारे में, जहाँ पर जो टीचर होती है वो इधर बोलती है तुम लोगों को ये नाम कहाँ से मिला, जहाँ पर यकीना बोलती है हमें ये नाम मिला डिमित्री बटलर से, आप इसे जानते हो ना, जहाँ पर इधर टीचर बोलती है अपना मुंह चुप रखो। यकीना फिर से बोलती है हमें गार्डोस को पकड़ना पड़ेगा बहुत ही जल्द, हाँ एजुअल यानी डिमित्री बटलर से मिलने के बाद हमें अब गार्डोस को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही भयंकर मिशन आ गया है, जहाँ पर इधर जो कोजो की टीचर होती है वो इधर कुछ सोच रही होती है और इसी बीच में एक आवाज सुनाई पड़ता है जो कि इधर बोली थी सॉरी मुझसे देरी हो गया तो इसे मुझे माफ कर दो। और इधर में दिखाया जाता है एस्ट्राटेगो यानी वही लड़की जिस लड़की ने पहले के वक्त में यानी पहले के एपिसोड में इतना तबाही किया था वो एक मेड बन चुकी है और वो अब नॉर्मल हो चुकी है, जहाँ पर इस चीज को देखकर जो इधर कोजो हुए वो इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर हाँ यकीना भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है।
वायल इधर जो टीचर होते मुझे बोलती है वो अब अच्छी हो चुकी है और मैंने उसको एक नया लाइफ दे दिया है। और मैं उसको ये भी सिखा रही हूँ कैसे मेज का इस्तेमाल किया जाए या फिर बहुत कुछ। वह जो भी इसके बाद जो रिकीना होती है वो फिर से बोलती है, फिर से मैं पूछ रही हूँ गार्डों से मैं कहाँ मिलेगा। जहाँ पर जो टीचर बोलती है उसको धोने की अब कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो टीचर फिर से बोलती है उसको धोने की अब कोई जरूरत नहीं है या फिर उसको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। किलर एक मॉन्स्टर है तो इसलिए शायद से हो सकता है कि उसने तुम्हें ये सब बताया होगा, लेकिन जो वो है यानी गार्डोस वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम लोग ये बात जान लो। और वैसे भी वो लोग पीछे पर है एंसिन वेपन के, जहाँ पर इधर को जो बोलते हैं एंसिन वेपन, जहाँ पर इधर वो बोलती है नाला कुवेरा, ये एक ऐसा वेपन है जो कि भगवान यूज करते हैं। और इस वेपन से मतलब कहाँ जाता है, इस वेपन से अब तक अनगिनत डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल ये वेपन है। और इसके पीछे वो टेररिस्ट ग्रुप पड़ा है। उसके बाद वो टीचर ये भी बोलती है, मतलब एक चीज के भी बारे में बोलती है जिससे वो वेपन यूज किया जा सकता है, यानी उस वेपन के लिए भी एक चीज पढ़ना होगा जो कि बहुत ज्यादा ही कीमती है। पर कोजो बोलता है वो अब क्या कहाँ है, जहाँ पर इधर टीचर बोलती है वो अब चोरी हो गया है। जहाँ पर इधर टीचर फिर से बोलती है कोई टूकी होने का बात नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो अब इसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग भी अब रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने हाल ही में एक साइंटिस्ट को भी पकड़ा है जो कि इसके ऊपर ही काम कर रहा था, तो इसलिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। जहां पर मैं दिखा सकते एक अलग साइड सीन में जहां पर एक पर्सन ने वही चीज पकड़ा हुआ था, यानी नाला का वूरे का, फिर से क्या बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ नाला कुवेरा का वही मंत्र का किताब, जिससे मतलब जिसको पढ़ने से नाला कुवेरा एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो टीचर होते हैं वो जो फिर से बोलती है मेन बात तो ये है कोजो तुम्हें फुटलर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो है एक सेकंड जनरेशन का वैम्पायर और साथ ही साथ वो तुम्हारे से ऊपर का है, तो इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तो तुम उससे दूर रहना। सबके बारे में तुम टेंशन मत लो, तुम बस फुटलर से दूर रहो। और इधर में दिखा से जो इधर कोजो होता है वो इधर सोच रहा होता है क्या उसे क्या करना चाहिए। अब इधर कोजो सोचता है उसे अपने फ्यूमिलर्स के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो यूज कर सकता है मुसीबत में वो अपने फ्यूमिलर्स को, क्योंकि मुसीबत के टाइम में उसको अपना फ्यूमिलर यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो इधर सोच रहा होता है वो इधर अपना फ्यूमिलर्स कैसे यूज कर पाएगा। और जो इधर युकिना होती है वो इन सब के बारे में सुनकर जब वो बोलती है अगर तुम चाहते हो मेरा खून पीना तो तुम पी सकते हो, क्योंकि इससे तुम अपना जो फ्यूमिलर है वो इधर बाहर ला सकते हो। जहाँ पर इधर कोजो बोलते नहीं इन सब के बारे में मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ इन सब के बारे में, तो इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जहाँ पर इधर युकिना बोलती है अगर कोई भी काम हो मेरे ये या फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताना। जहाँ पर कोजो बोलते हैं हाँ मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तो इसलिए कुछ भी, लेकिन अब के लिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहाँ पर युकिना बोलती है तो हो सकता है कि, और इधर युकिना बोलती है हो सकता है कि आने वाले दिन पर तुम मेरे साथ कुछ गंदे काम कर सकते हो, लेकिन सॉरी मैं इन सब को मतलब ये सब नहीं कर सकती। मतलब सुबह के बारे में बात को सोच कर इधर युकिना ये सब बोली थी। और इधर कोजो फिर से बोलता है तुम बात को समझने की कोशिश करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वेल जो भी इसके बारे में दिखाया जाए इधर वो दोनों इसे चले जाते हैं, और इधर में फिर से उसी बर्ड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है। वेल जो भी इसके बारे में दिखाया जाए कोजो चला जाता है असागी के पास, और वो जाके बोलता है असागी तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ हमेशा की जैसे फिर से वो भीख मांगने चला जाता है। चाबर जो असागे होते हैं पहले बोलती है तुम्हें जरूर युकिना ने भेजा होगा, तो इसलिए तुम इधर आए हो। चाबर इधर को जो बोलता है नहीं मुझे नाला कावूरे के बारे में मतलब नाला कुवेर के बारे में जानना है, बार बार गलती हो जाता है। जो भी हो जो इधर असागे होते हैं वो इधर बोलती है मैंने इस बात के बारे में सुना है और मैं जानती हूँ इस बात के बारे में, तो इसलिए हाँ चलो तुम मेरे साथ। और उसके बाद वो दोनों इधर से चले जाते हैं। चाबर में दिखा जाए जो इधर कुछ का वो दोस्त होता है वो इधर अपने ऊपर कुछ पहन लेता है और वो कुछ करने लगता है, जिससे इधर कुजो का उस दोस्त को भी पता चल जाता है इधर वो दोनों क्या कर रहे हैं। वेल जो भी इसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों यानी असागी और कुजो चले जाते हैं उस रूम के अंदर, और इधर वो दोनों एक डिवाइस यानी एक कंप्यूटर के आगे वो दोनों इधर चेकिंग करने लगते है। जाबर जो असागी होती है वो इधर दिखा देती है नाला कुवेरा क्या है, और इधर हमें दिखा सकते नाला कुवेरा एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही बड़ा जायंट क्रिएचर है जो कि बहुत भयंकर है और वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसको देखने से हमें पता चल जाता है। वह जो भी हो इसी बीच में दिखाया जाता है इधर कोई पर्सन आके मतलब किसी पर्सन को लग गया था इधर कोई आ चुका है, तो इसलिए इधर एक पर्सन आता है चेकिंग करने। चलो आके बोलता है इधर कोई है मैं जानता हूँ मैंने देखा था, जहाँ पर उन्होंने पकड़े जाने से पहले ही इधर वो ना चुप गए थे
वेल, जो इधर कोचो होता है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही शौक में आ जाता है और वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मतलब हम दोनों ऐसे कैसे रह पाएंगे एक इतना छोटी जगह में। वेल इधर में दिखा सकते उस पर्सन को जो इधर आया था उस रूम के अंदर, वो इधर बोलता है तो मुझे थोड़ा शायद से गलतफहमी हो गया और उसके बाद वो जैसे चला जाता है क्योंकि उसको लगता है इधर कोई नहीं आया था क्योंकि इधर कोई नहीं दिखा था। वह जो इधर में दिखा जा रहा है जो इधर कुछ है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही अलग सा कंडीशन में था क्योंकि असा की कुछ की बहुत ही पास थी और इसलिए इधर कुछ की नाक से बहुत ही ज्यादा ही ब्लीडिंग होता है। जहाँ पर इधर असा की बोलती है ये क्या हो गया और इधर कुछ भी उसको धकने लगता है। वह इधर में दिखा जा रहा है जो इधर युकिना की बहन है मतलब बिग सिस्टर है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है शायद से कुजो के ऊपर क्योंकि वो कुजो के ऊपर ही नजर रख रही होती है। वेल इसके बाद में दिखा सकते टेरेस पर जहाँ पर असागी और जहाँ पर असागी और कुजो बातें कर रहे होते हैं और इन बातों के बीच में जो इधर असागी होती है वो इधर बोलती है मैं कुछ पीने के लिए खरीदने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद असागी चली जाती है जहाँ पर इधर कुजो रिलैक्स होता है और ऊपर की तरफ देखता है लेकिन इसके बाद ही इधर ऊपर से फिर से अटैक आता है जो कि था सायका का यानी युकिना की बहन का और वो इधर आई थी क्योंकि जो इधर युकिना की बहन थी वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि शायद से उसको ऐसा लगता था कुछ ने युकिना के साथ बहुत कुछ किया है खून पिया है क्योंकि जो युकिना की बहन है वो इधर बोलती है मैंने देखा था युकिना के गले में एक निशान था एक कुत का और मैं जानती हूँ वो किसका था तो इसलिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो साथ साथ मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर इधर कुजो बोलता है तुम इस बात को समझने की कोशिश करो प्लीज तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। जहाँ पर इधर सायका नहीं मानती है और इधर में दिखा से एक गाड़ी को जहाँ पर वही गैंग था यानी जो हाँ तेरिस वाला गैंग था ना वो इधर आ चुका था उसी स्कूल के अंदर और इधर में दिखा से फिर से सायका को जहाँ पर वो कुजो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसको कितना दर्द हुआ होगा और ये दर्द अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इधर कोजो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि कोजो के पास अब कोई रास्ता नहीं था और जब दिखा जाए जो इधर सायका होते है वो इधर अपने ब्लेड से कोजो के ऊपर अटैक कर देती है जहां पर हमें दिखा जाए इधर कोजो के ऊपर एक कट लग जाता है और उसके बाद इधर कोजो के अंदर पावर आ जाता है मतलब हाँ कट लगने से जो कोजो वैम्पायर बन जाता है वैम्पायर की ताकतें आ जाता है इधर कोजो के अंदर वो आ चुका था यानी इधर कोजो वैम्पायर यानी अपने फैमिलियर्स बुला सकता है और इधर कोजो फिर से ओवर कंट्रोल हो जाता है। जहाँ पर मैं आखिर में दिखा सकता है उसी गाड़ी को और उसी गाड़ी के अंदर जो वो लोग होते हैं वो इधर हंस रहे होते हैं बहुत ही अजीब तरीके से और वो लोग देख रहे थे असागी के फोटो को यानी वो लोग इधर किडनैप करने के लिए आ गए थे ओमनी वैन लेके। तो ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 7 के लिए वेट करो एंड आज के लिए इतना ही बाय।